तुम्हारे सबके, ये भी है। हाँ और यही तो मेन है। दूर से दूर से दूर से पौधा प्रदान कर माननीय मंत्री आवासीय कोचिंग के उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय रणेंद्र सर को। भी सर अपना व्यंजन लेके आई, ये बड़ा वो खास रहा। और ये 9 अगस्त से 9 सितंबर तक टीआरआई सर मना रहा है। कल सौरिया पहाड़िया से 23 है, ब्रिजिया समुदाय से भी सर में रोशनी ये लाएं, ये हम लोग की कल्पना है। कुछ और चीजें सर नई हम लोग करने वाले हैं। सत्वती कॉलेज का हिस्ट्री डिपार्टमेंट सर शोध कर रहा है। महोदय माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय मंचासीन अतिथिगणो, जिया कोरबा परहिया बिरहोर और सबर शामिल हैं। इस राज्य में लगभग 32 आदिवासी समूह हैं। उसमें से 8 अति कमजोर आदिवासी समूह हैं, जिनके लिए आज हम ये एक नया और ये देश में पहला योजना शुभारंभ हो रहा है। वैसे भी तो दुनिया में धीरे धीरे आदिवासी समाज विलुप्त हो ही रहा है, और अगर यूं ही हाथ पे हाथ धरे रहे, अभी तो आदिम जनजाति की वो अभी सीधे मुहाने पर हैं, उसके बाद बाकी आदिवासी समाज भी आ जाएगा। धीरे धीरे 32 जितने समूह हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे, और पूरे देश में 750 के लगभग आदिवासी समूह हैं, और उन 750 समूह में 32 समूह हमारे राज्य में है, और उन 32 समूह में 8 समूह पूरे देश में 75 के लगभग, जो मुझे जानकारी है, अति कमजोर आदिवासी वर्ग है, और उन 75 में से 8 हमारे ही राज्य में है। आपको जो सरकार राशन देती है उससे आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, वो सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए दे रही है। नाप तौल कर वो राशन है, उस राशन से नाप स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं, उस राशन से ना आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ना आप आगे बढ़ सकते हैं। राशन सिर्फ आपको जिंदा रखने का माध्यम है, चाहे राशन कोई भी बीपीएल परिवार को मिल रहा हो। सरकार का काम सिर्फ राशन देने भर तक की जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, सरकार की जिम्मेवारी उन संवेदनशील विषयों के प्रति भी
अपना ध्यान लगाना आवश्यक होता है, जहां लोग पिछड़ रहे हों, आगे नहीं बढ़ पा रहे हों। किसी ने सपना में सोचा था कि यहां का आदिवासी का बच्चा विदेश में पढ़ने जाएगा, दलित का बच्चा जाएगा, पिछड़े के बच्चे जाएंगे, अल्पसंख्यक के बच्चे जाएंगे। आज हमारा ये प्रोग्राम यूनाइटेड किंगडम के सरकार के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर चर्चा का विषय है। अभी तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने 25 बच्चों को भेजा है। कहीं ना कहीं एक जिम्मेवार नागरिक, एक जिम्मेवार सरकार की यह दायित्व बनती है कि इन वर्गों को आगे आने के लिए हर रास्ते खोले जाएं, हर सहयोग उनको उपलब्ध कराया जाए। जिस तरीके से समय का परिवर्तन जिस गति से हो रहा है, इस दौर में कहीं ना कहीं इस आदिवासी समाज के लोगों को अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। मैं भी एक आदिवासी समाज का एक नौजवान हूं। मैं आप ही के बीच से आया हूं, कोई ऊपर आसमान से टपक के नहीं आया, लेकिन हमने अपनी गति को बनाए रखा और आज आपके सामने खड़ा हूं। आज हमारे राज्य में जो 8 अति कमजोर आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं, जिन लोगों ने सरकार के द्वारा निकाली गई इस प्रोग्राम में अपना सहभागिता निभाई है, हालांकि आवेदन तो लगभग 400 के लगभग आवेदन पड़े थे, लेकिन कई स्क्रूटनी होने के बाद लगभग 156 बच्चों ने इसमें सफलता पाई है, और जो असफल हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा इस मंच से, आपको निराशा होने की आवश्यकता नहीं है, आप पुनः तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर हमारे इस प्रोग्राम में का हिस्सा बन सकते हैं। आपको ऐसे गुरुजनों का परामर्श मिलेगा, उनसे शिक्षण मिलेगा, दर्शन में दिशा निर्देशन में निश्चित रूप से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सपनों को साकार करेंगे।